Hello everyone, this is Shahzad Noor. Don't forget to watch Voice Over Men और subscribe करना ना भूलिएगा. जी हाँ, आज जो sexy hot chocolate man boy मेरे set पे आया हुआ है, इसको देख के बंदा कहता है कि gay हो जाए. वो वैसी कौन सी life में बच्चियाँ मिल रही हैं? अभी मुश्किल ही आई थी, ठेंगा दिखा के चली गई, कुछ भी नहीं दिया, आपको 100 का नोट ही दे के चली जाती. और ये ऐसे हाथ आएंगे नहीं, इनकी ड्रिंक में कोई मिक्स करना पड़ेगा जो अक्सर डिजाइनर्स इनके साथ कर लेते हैं. मॉडल ये, एक्टर ये, कभी कभार वीकेंड पे आंटियों के डांस भी कर लेते हैं. आइए मिलते हैं मल्टी अवार्ड विनर, 6 अवार्ड इनने जीते हैं, द वेरी टैलेंटेड डैशिंग एंड मसाज पार्लर ओनर शहजाद नूर. आप सबसे पहले मुझे ये बताएं कि आपने मुझे आंटियों के साथ डांस करते हुए कब देखा? मैं उस दिन आंटी बन के आया हुआ था, तो वो मेरे भतीजी की सीन था. शहजाद नूर, ये बताएं मुझे कि क्या ये सच बात है कि बंदा कुछ ज़्यादा ही जब गुड लुकिंग होता है तो फिर उससे बचिया नहीं मिलती, कि इस बंदे की डिमांड्स बहुत होंगी, सारा वक्त शीशे में देखता रहता होगा और मेकअप शेकअप में और से ये सारा चीज़, और फिर पब्लिक में जाओ तो लोग फिर पहचान लेते हैं कस्टमर्स वगैरह. ये सवाल आप मुझसे क्यों पूछ रहे हैं? ये इसलिए पूछ रहा हूँ कि आप बहुत हसीन तरीन आदमी है, मैंने तो इतना कभी देखा नहीं. अगर आप मुझे ये समझते हैं तो फिर मेरे ख्याल से कि ये सवाल बिल्कुल ठीक है. ठीक है, सिंगल. ओ, यू सिंगल. हाँ, तो बचिया कहती होंगी कि इनका स्टैंडर्ड बहुत हाई है या अपने आप को समझता ज़्यादा होगा, ऐसा होता है? क्योंकि मेरे साथ भी ये प्रॉब्लम रहा है बचपन से, लड़कियाँ मतलब दूर से भाग जाती हैं देख के, यार ये तो हमारे स्टैंडर्ड पे आएगा ही नहीं. हाँ, मतलब वो लड़कियाँ ये समझती हैं कि यार ये खुद आके बात करेगा तो मैं खुद जाता नहीं हूँ बात करने, तो वो खुद आती नहीं है बात करने, तो इस वजह से यही कंफ्यूजन चल रही है. ये स्कूल में होता था मेरे साथ. अच्छा, अभी भी होता है आपके रियल लाइफ में भी? क्या हम बात नहीं करें, ये आके बात करें. वेरी गुड आंसर, इनने शुरुआत बड़ी अच्छी की. ये मैंने सवाल स्पेशली आपके लिए लिखा है. आपने बहुत सारे कैटवॉक किए, शोज किए. आपने वो वाला कभी किया जिसमें वो प्रॉप के तौर पे हाथ में जो है ना आरी दे देते हैं और वो पैंट जो है ना वो स्टिक ऑन वाली वो खिंच करके ऐसे उड़ जाती है हवा में? वो मैंने एक दफ़ा देखा था, ऑनलाइन टिकट्स लेके मैं शो पे गया था, तो मैं समझ रहा था हमारे होंगे. आपने पाकिस्तान में देखा था? नहीं, मैं वहाँ था बाहर फ्लोरिडा में. अच्छा, वहाँ के फैशन के बारे में मुझे नहीं पता. तो वैसे आपने यहाँ नहीं किया? मैंने बाहर इंटरनेशनल शोज तो किए लेकिन वो यहाँ पर नहीं किया. ये वाला नहीं किया? नहीं किया. ये बताएं शहजाद कि हमारी रिसर्च ने बताया कि आपकी इस काम से पहले एक प्रिंटिंग प्रेस थी. आपके रिसर्च ने बताया? हाँ जी, सही बात है. हाँ जी, बिल्कुल, फैमिली बिजनेस. तो अब आप इस काम में आ गए, तो आप क्या छापते हैं, लाहौर वालों की बुराइयाँ? नहीं, बिल्कुल नहीं, लाहौर कराची कुछ नहीं होता, कुछ नहीं है. बहुत बहुत वी आर फैमिली और एक छोटी सी इंडस्ट्री है, दैट्स इट. ऐसा कुछ नहीं है सीन? मेरे ख्याल से मैंने जितना काम लाहौर में किया उतना कराची में नहीं किया. वाह यार, आप पहले बंदे हैं जो इस बात को झुठला रहे हैं और कह रहे हैं ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि जितने भी लाहौर के फोटोग्राफर्स हैं वो सारे के सारे मेरे दोस्त हैं. मैंने एक और शो में एक और मॉडल आई थी, उनको इसका सलूशन बताया था कि अगर आइंदा ऐसा पंगा होना लाहौर कराची का तो क्या करें. अच्छा, उसकी समरी बता रहे थे, उसका था मेक लव नॉट वॉर. या ट्रू, जब सब सबके साथ सोएंगे ना तो मसला खुद सॉल्व हो जाएगा, कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं जिससे मसला सॉल्व ना हुआ. चलो ये बताएं कि आपकी आपके ख्वाबों में 3 हॉट लड़कियां कौन आती हैं, उनके मुझे प्लीज़ नाम बताइएगा. एक तो आई एम वेरी श्योर फ्री अल्ताफ, किशोर मेरी ख्वाबों में भी शोर मचा रही होगी, चलो वहाँ चलो, डोंट डू दिस, खाना लगाओ, बहुत शोर मचाती है ना वो. बाकी 2 लड़कियां कौन है जो आपके ख्वाबों में आती हैं? और देखो, ख्वाब में सबके कुछ ना कुछ आता है, इसका ये मतलब नहीं होगा कि वो समझेगी कि इसका क्रश हो गया या मेरे पे मर रही है, ऑल्दो ये समझेगी, इनको ना बताइएगा. लेकिन आप 2 नाम और से देना जो आपके ख्वाब में आती हैं लड़कियाँ. नहीं, फिलहाल तो कोई नहीं आती. आती नहीं है? बहुत अच्छा खेल रहे हैं, वेल डन. हम चलते हैं अपने ट्रू और फॉल्स राउंड की तरफ. इसमें आपने ऑब्वियसली या ट्रू कहना या फॉल्स. रेडी हैं? बिल्कुल. असल में डिज़ाइनर का 2-3 का काम ही ओरिजिनल है, बाकी सब कॉपी करते हैं. नहीं. फॉल्स? यस. चल झूठी. मॉडल साल में 1 दफ़ा अंग्रेजी बोलते हैं और वो जब जब वो अवार्ड जीतते हैं. किससे लिखवाते हैं वो? उर्दू में क्यों नहीं बात करते, मुझे ये बात बताएं. उर्दू में बात कर रहा हूँ मैं. नहीं, नहीं, आप ना जब अवार्ड जीतते हैं तो ऐसी फर अंग्रेजी निकलती है, लॉर्ड माउंटबेटन के बच्चे बच्चियाँ हों ये. नहीं, वो एक्चुअली वो एक कॉम्प्लेक्स है, माइंड में बिठा देते हैं कि यार अवार्ड पे जाते के वक्त आपने ये बात करनी है, ये बात करनी है. तो हाँ, मैंने देखा बहुत ही ज़्यादा अंग्रेजी बोलते हैं सब, एक्टर्स भी बोलते हैं वैसे, सिर्फ मॉडल्स के ऊपर ये नहीं है. आगे चलते हैं. मेरा मुकाबला ये अब्दुल्ला और लहरियों वहरियों से नहीं है, मेरा मुकाबला इंटरनेशनल मॉडल से, जिस तरह जीजी हबीबी और हाँ जीजी हबीबी है, शी इज़ माई फ्रेंड ऑन फेसबुक. तो ये बताएं, जीजी हबीबी से मुकाबला है कि लोकल में भी आप कंपटीशन मांगते हैं किसी को?
यार मुकाबला क्या होता है? आई थिंक मैंने पहले ही कहा कि यार हम लोग फैमिली की तरह काम करते हैं और फैशन इंडस्ट्री इज़ ब्यूटीफुल इंडस्ट्री। अच्छा, मेरा नहीं ख्याल कि यहाँ पे कुछ इतनी, हाँ होती हैं कुछ लोग अच्छे कुछ बुरे होते हैं, हर फील्ड में होते हैं, फैशन इंडस्ट्री भी उन्हीं की तरह एक फील्ड है। अच्छा, लेकिन इतना नहीं है कॉम्पिटिशन के यार, जितना लोग समझते हैं। जितना लोग समझते हैं। अच्छा अच्छा, सिद्धार्थ कह रहे हैं कि उतना कंजरपन नहीं है जितना लोग कहते हैं और समझते हैं, उससे काफ़ी कम है और ये फैमिली की तरह है। अजीब सी फैमिली, जिनके पड्डे नहीं होते आपस में। नहीं होते हैं बिल्कुल, लेकिन इतने ज्यादा नहीं होते। आपके नहीं हुए होंगे? बातें कुछ ज्यादा होती हैं, फड्डे कम होते हैं। आपसे कोई नहीं करता होगा ना, वो कहता होगा यार अब इसकी बातें कौन सुनेगा। मैं मुजरों पे कभी नहीं जाता, मुजरे खुद चल के मेरे पास आते हैं। ट्रू और फॉल्स? मैं मुजरों पे कभी नहीं जाता। हाँ, मुजरे खुद चल के मेरे पास आ जाते हैं। मतलब मैं कभी बैठा हुआ होता हूँ, चिर कर रहा हूँ तो रिलैक्स कर रहा हूँ, वहाँ एक सीन ऑन शुरू हो जाए तो मेरी क्या उसमें गलती है? नहीं, ऐसा भी नहीं होता। ऐसा भी आपके साथ नहीं होता? हाँ, ये बताएं कि आपने पॉर्नहब में प्रीमियम मेंबरशिप ली हुई है कि नॉर्मल? ये वाकई सवाल है। हाँ, ये देखें, मेरे ख्याल से वो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ती मुझे, और बहुत सारे दोस्त हैं मेरे जो मुझे वीडियोस भेजते रहते हैं। ओके, ये बताएं कि ये मॉडल्स जो हैं ज़्यादातर फीमेल्स एक दूसरे को बेब और बेब्स क्यों कहती हैं? ये क्या मसला है? हाँ, बेब्स बेब प्यार से कहती है ना, मतलब प्यार से बेबी मतलब क्या है? हम लोग कहते हैं तो हमारे ऊपर केस हो जाता है, खुद आपस में एक दूसरे को चाबी कर लेती हैं तो कोई मसला नहीं है। अगर हमने किसी को हक कर लिया तो कहेंगे क्या? मेरे ख्याल से आप तो फैशन इंडस्ट्री को ज़्यादा जानते हैं मुझसे। मैं जानता हूँ, दिखे कितना फैशनेबल हूँ मैं, ऊपर सर से पाऊँ तो कैसा मैं दिख रहा हूँ ज़बरदस्त। मुझे उठाने वाला है दीपक वर्मानी अपने ब्रांड के लिए। अच्छा अच्छा, तो ये बताएं लड़के एक दूसरे को क्या बोलते हैं कि ओए कंजर इधर आ, ऐसे बुलाते हैं कि बेब्स वो भी करते हैं? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। क्या बुलाते हैं? ब्रो। ब्रो, ये ठीक है ब्रो। आजकल मैंने देखा है, नोटिस किया है कि लड़कियों को भी लोग ब्रो ब्रो कह रहे होते हैं। हाँ, लड़कियाँ आपस में भी एक दूसरे को ब्रो, हालांकि निकाह टूट जाता है उनको ये बात बताएं जाके, है ना? वाह, मेरी बीवी मुझे ब्रो कहे तो मैं तो ब्रो बन जाऊँ उसी वक्त, ब्रो बन जाऊँ मैं। ओके, आगे चलते हैं। ये बताएं कि हाँ देखिए, मीठे तो लोग समझ आ जाते हैं देख के फौरन। हाँ जी, बट लेस्बियंस जो होती है उनकी क्या इंडिकेशन होती है? वो कैसी सिग्नल्स फेंकते हैं? ये सारे सवाल मैंने लिखे थे मुश्किलीम के लिए, फिर वो जब खड़ी हुई ना तो मुझे डर लग गया। आपने, मैंने सारे उनके सवाल से ही पूछना था। आप पे फेंक दिए मैंने। नहीं, वो तो उन्हीं से ही पूछना था। नहीं, वो मुझे डर लगता है, वो मुझे मारेंगी। मीठे से क्या मना? मीठे लोग नहीं होते मीठे, बहुत ही ज्यादा फ्रेंडली कह लें आप, फ्रेंडली कह लें। अच्छी बात है, चलो मैं आगे चलता हूँ, मुझे लग रहा है कि अच्छी बात है फ्रेंडली होना। कोई जवाब नहीं है इनके पास। ओके, आप चीटिंग करते हैं? चीटिंग बड़े धड़ल्ले से कह रहे हैं, चीटिंग करते हुए पकड़े गए कभी? अगर आप, ये हाइपोथेटिकल सवाल है, कभी अगर पकड़े गए तो, वैसे तो आप मुझे बहुत इंटेलिजेंट लग रहे हैं, आप नहीं पकड़े जाएंगे, पकड़े गए तो इनमें से क्या जवाब देंगे? नंबर वन, मैं कर्नल की बीवी हूँ, ठीक है, उस पर भाग जाती है, वो मैंने देखा है। दूसरी ये है कि अगर बॉडी पे तेल लगा हुआ तो वहाँ से स्लिप हो जाएंगे। तीसरी यह है कि ये कहेंगे कि मैं रोल के लिए रिसर्च कर रहा हूँ, मैं बायोपिक कर रहा हूँ अदनान सिद्दीकी की। और आखिरी ये है उसके बाद के जिसने पकड़ा है उसे भी इनवाइट कर लूँगा कि आ जाओ भाई, आ जाओ, मेरी अम्मी ये शो ना देख लें। अम्मी ने तो मुझे लग रहा है अब तक देख लिया जो मैं ये बोल रहा हूँ। सारे को अम्मी, मैं इनका बेस्ट फ्रेंड हूँ, ये जो है ना मेरे साथ हैंग आउट करते हैं और उन लोग खाना भी साथ खाते हैं, ये कंपनी है इनकी यहाँ पर जो है ना। आपने कहा था लड़का शोबिज़ में जाएगा ख़राब नहीं होगा, ये देखिए क्या कर रहा है, आप कर रहे हैं, इसको वापस बुला लें, वापस बुला लें, प्रिंटिंग प्रेस चलाएगा, शादी के कार्ड छापेगा और इसके हसीन से दुल्हन पकड़ के शादी भी करा दें ज़बरदस्ती। ओके, ये अम्मी के लिए मैसेज था। तो चलो, ये इसका जवाब इनमें से कोई ऑप्शन, कर्नल की बीवी बन जाएं आप या आप तेल लगा के स्लिप हो जाएं? मेरे ख्याल से आगे चलते हैं। ओके, आप जिम बहुत जाते हैं? दिन में एक मिनट तो मैं जाता हूँ। अच्छा, अगर इंसान को चुतर के मसल्स बनाने हो तो वो क्या करे? तो वो जिम जाए और अपने ट्रेनर से पूछे कि वो ट्रेनर। हाँ, मैंने ट्रेनर से पूछा तो उसने कहा कि मुझे गंदी बातें ना करें यार। अच्छा, इसका मतलब है कि फिर आपकी ट्रेनर के साथ इतनी हेलो हाई नहीं होगी ना?
ठीक है, तेरे ट्रेनर के साथ दोस्ती करनी पड़ती है। मैं बनाऊंगा, ये सीरियस सवाल। कुछ पुराने मॉडल्स जिनको मैं जानता था पर्सनली, वेरी पर्सनली, वो अगर आज के दौर में होते तो इनमें से, मतलब इनमें से आज का मॉडल वो कौन होता? फॉर एग्जांपल आज की विनी कौन है? आज की विनी कौन है? विनीजा अहमद, सदफ कवर। सदफ कवर। आज की इरज कौन है? मुश्किलीन। आमना हक। आमना हक, इनको जानते हैं आप क्या? बहुत छोटे से होते थे उस वक्त। नहीं खैर, मैंने इनके साथ कभी काम नहीं, लेकिन आप जानते थे इनको कौन है? आमना हक कौन है आज की? आमना हक वो एक मॉडल है जो मेरे जहन में नहीं आ रही। चलो मुझे बाद में बता दीजिएगा। हाँ बाद में बता, बल्कि उनका नंबर ही भेज दीजिएगा, ऐसा कर लूँ मैं, खुद पूछ लूँगा उनसे। आज की फ्रिया अल्ताफ कौन है? फ्रिया अल्ताफ आज भी है? हाँ नहीं, इज नो रिप्लेसमेंट। नहीं वो मॉडल थी ज़माने में, वो आज भी वो ही है। अच्छा आज भी वो खुद ही है? आज भी आज ही वो मॉडल बन सकती है, क्योंकि मुझे इतना फैशन इंडस्ट्री के बारे में पता नहीं है शहजाद नूर, तो आप प्लीज़ मेरी हेल्प करें। ठीक है, अच्छा आपको नहीं पता? हाँ मुझे इतना नहीं पता, मुझे ऊपर ऊपर से पता है, जो चार दो चार नाम मैं ले रहा हूँ आपके साथ, उसके अलावा मुझे पता है फैशन इंडस्ट्री में गॉड फादर किसको कहेंगे? गॉड फादर किसको कहेंगे? देयर इज नो गॉड फादर, एक कोई नहीं है। नहीं तो इस लिहाज से गॉड मदर भी कोई ना हुई फिर? नहीं, एवरी वन इज अ गॉड फादर, सभी गैंगस्टर्स हैं, इनका मतलब है कहने का। इंडस्ट्री का सबसे सख्त लौंडा कौन है? सख्त लौंडा किस हिसाब से सख्त? एक सख्त होता है उसको कोई फर्क ही नहीं पड़ता किसी चीज़ पे, वो कहते हैं ना क्या थिक स्किन, या जिसकी ऐसी अकड़ होती है, या जो वो सख्त हो हर मामले में सख्त हो, कि उसको फ़र्क ही नहीं पड़ता वो सख्त। अच्छा अच्छा खुद है ज़बरदस्त यार, ज़बरदस्त, गुड आंसर भाई। किसी और ने भी ये जवाब दिया था इससे पहले जो आपको मिली थी ना। अच्छा सबसे ज़्यादा रोने कौन रोता है? आपको पता है? मुझे पता है, मेरे घोड़ा थोड़ा आपको नहीं पता होगा। इसका नाम भी आ रहा है मेरे जहन में, लेकिन लूँ या ना लूँ? नहीं नहीं ले लो। फौजिया अहमद। फौजिया अहमद सबसे ज्यादा कंजूस कौन है? सबसे ज्यादा कंजूस कौन है? पैसे नहीं निकलते, चमड़ी जाए दमड़ी ना जाए, या जो जो बिल का टाइम होता है तो वॉशरूम चले जाएं, या कह दें कि मेरी अम्मी बीमार हैं, या इस टाइप के जो बहाने मारते हैं ना। मुश्किलीम। मुश्किलीम, अच्छा अच्छा अच्छा, वो इनमें से कौन सा बहाना यूज़ करती है कि मेरे बॉयफ्रेंड मुझे बुला रहे हैं? या तो कहती हैं कि मैं कार्ड नहीं लेकर आई। कार्ड नहीं लेकर आई, अच्छा अच्छा, और कोई ऐसी बात बताएं मुझे। या तो कहती है यार सॉरी मैं तो ट्राउज़र वगैरह शर्ट में, मैं तो यूँ ही आ गई। हाँ वेरी गुड वेरी गुड यार, ये अच्छा, बहुत अच्छा, आज मुझे मज़ा आ रहा है फैशन वाले लोगों को बुला के। ये बताएं कि टीवी में क्या आप सीनियर एक्टर्स आपके साथ जो करते हैं वो आप जूनियर मॉडल्स के साथ वही करते हैं? सीनियर एक्टर्स जो करते हैं? नहीं बिल्कुल यार, किसको यार बुला यार, लाइनें तो जात जात करवा लो यार। हाँ तो यार सॉरी यार सॉरी, ये जो होता है। हाँ हुआ था। आप जूनियर मॉडल के साथ ऐसा करते हैं? एक्चुअली पता है कि ये मेरी जिम्मेदारी नहीं है उनको वॉक करवाना। अच्छा हाँ, जो डायरेक्टर होते हैं वही करवाते हैं। अच्छा नहीं तो वैसे अगर कोई मॉडल मुझसे पूछ ले तो मैं बता देता हूँ, एक मरतबा, दूसरी मरतबा, तीसरी मरतबा, ज़्यादा नहीं, वो खुद काम करें, हमने भी इस तरह काम किया था, खुद भी सीखने ना। अच्छा अच्छा, नए मॉडल्स और मॉडल लड़कियों से दरख्वास्त है कि इनसे तो सवाल पूछे ही ना कोई, इनको अपना चिल करने दें मॉल में, ये आगे से बदतमीजी करेंगे, इनसे कोई किस्म की हेल्प ना मांगे। इनने बात क्लियर कर दी है कि मैं नो बुलशिट आदमी हूँ, मैं किसी की हेल्प करने में बिलीव नहीं करता, मेरे पास खुद रोकड़ा कमाने में बिलीव करता हूँ, और कोई आए तो मेरे से ना बात करे बिल्कुल भी, वो लैरी के पास चले जाए, वो फारिक फारिक बैठा हुआ होता है, उसके साथ डिस्कस कर लिया करे अपने प्रॉब्लम सारे जो है ना। इनमें से शहजाद नूर, इनमें से कौन सा टाइटल आपको सही मानों में डिफाइन करता है? बायटैनिक। बायटैनिक हाँ, मचलती जवानी, फिर वही रात, या फिर मैं खिलाड़ी तुम अनाड़ी। आजकल के हिसाब से मैं खिलाड़ी तुम अनाड़ी। मैं खिलाड़ी तुम अनाड़ी, अच्छा अच्छा अच्छा, मुझे लगा कि शायद बायटैनिक या मचलती जवानी। ओके ये बताएं कि इनमें से सबसे ज़्यादा सेक्सफुल बंदा आपको कौन लगता है? सेक्सफुल समझते हैं ना, फुल ऑफ सेक्स, अताउल्लाह ईसा केलवी, कामरान खान फ्रॉम आज कामरान खान के साथ, फवाद चौधरी फ्रॉम स्ट्रेंजर थिंग्स नेटफ्लिक्स पे एक शो है, और या फिर शहबाज शाजी, सबसे सेक्सफुल कौन है इनमें से? ये आपने मुझसे पूछने थे या मुश्क से? नहीं नहीं ये तो आपके सवाल। बताएं ना आप भी, सबको जानते हैं आप ही बता दें,
मुझे तो इनमें से कोई नजर नहीं आ रहा। मुझे तो सारे के सारे सेक्सफुल लग रहे हैं इनमें से, कोई कम नहीं है एक दूसरे से। अच्छा ये बताएं, आपने तो काफ़ी सारे ब्रांड्स इंडोर्स किए हैं अपनी लाइफ में, बड़े माल बेचा है आपने, तो यार मेरे भी क्योंकि खर्चे बहुत हैं ना, मेरे कपड़े मुझे नए लेने होते हैं और मुझे वो प्रीमियम अकाउंट देना होता है, तो आप मेरे लिए एक ब्रांड इंडोर्स करेंगे प्लीज़? ये है चड़ियाँ, गुलजार की चड़ियाँ, इसको आपने इंडोर्स करना है। इस पर फिश मार दिया गया है पहले ताकि आपको कोरोना ना लगे, वैसे भी आपको तो है मुझे लग रहा है। ओके, इसके साथ आपने जो है ना मेरी एक लाइन बोलनी है, इसकी स्लोगन, जिससे ये बिग बिग के पागल हो जाए। मेरे भाई का ब्रांड है, छोटे भाई का मेरा, वो ये काम करता है, तो जेल से निकलने के बाद उसने ये काम शुरू किया है। इसमें आप जेल से निकले क्यों? वो कोई दो नंबरी वाले काम करते थे डोर में। इसके साथ हाँ, आपने लाइन बोली, आप डिस्ट्रैक्ट ना करें ना, वो ब्रांड मैनेजर बैठा है, वो अच्छा। छोड़ता नहीं है फिर जो है ना, उसने इसके 15,000 रुपये ऑफर किए वो भी नहीं देगा। ओके, इसको सामने रखिएगा प्लीज़। वैसे तो मैं आपको पहनवाता ये और फिर वॉक करवाता इधर उधर, लेकिन चलें कोई बात नहीं, वो इतने फ्री पैसे करना पड़ेगा। हाँ, पैसे हायर करना पड़ेगा और आपको ठीक ठाक टोन करना पड़ेगा। अच्छा, इसको देख के आपने ये कहना है कि डैश फट जाए लेकिन चड्डी ना फटे। प्लीज़ देखें, हमारी रोजी रोटी का मामला, बच्चे मेरे छोटे होंगे, आज रात को KFC और सब्वे खाना है।